कर भला तो हो भला। एक लोग अगर तो सही करते तो दूसरे लोग उनको देख करके सही करते हैं। जुमे हुआ क्या कि मैं और आदमी फटाफट चढ़े जा रहे सबसे पास चढ़ रहे थे अमेरिका से जावे सर ये रहे चढ़ नहीं पा रहे। दोस्तों मैं तो बिल्कुल इमोशनल हो चुका हूँ, ऐसा जगह और ऐसा भैया जो हमें खाना खिला रहे हैं और ऐसा खाना खिला रहे हैं। दोस्तों मेरा नाम है मयंक, आप देख रहे हैं मयंक के जीवन ब्लॉग्स। आज है थर्ड डे। तो दोस्तों आज हम लोग जा रहे हैं नैनीताल जू। इसका प्रोसेस ये है कि पहले आपको यहाँ से शटल सेवा मिलती है, होटल लेके जाएंगे। हाँ, वो है आने जाने दोनों की 60 रुपीज़ लगता है। होटल इंडिया के पास एक होटल इंडिया है यहाँ पे, उसके पास में आपको शटल सेवा मिल जाएगी। एंड उसकी टिकट अगर आपकी बच्चे की 5 से 12 साल है तो उसकी टिकट है 50 रुपये जू के एंट्री के लिए। 12 साल ऊपर की उसकी टिकट है 100 रुपये। तो अराउंड आपको 160 रुपये पर पर्सन खर्चा बैठ जाएगा। तो अगर आपको नैनीताल जू जाना हो तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा। तो हम लोग जाए नैनीताल जू, वहाँ पे आपको दिखाएंगे एनिमल्स काफ़ी सारे एंड काफ़ी कुछ दिखाएंगे। हाँ, सो चलते हैं। सो दोस्तों अब हम लोग आ गए हैं जू के अंदर एंड यहाँ पे देखिए जस्ट मेरे पीछे लिखा हुआ है जू। इतना बड़ा बड़ा देखिए जू लिखा हुआ है पीछे एंड पीछे झरना भी बह रहा है। एंड झरना जो ये मोटर के थ्रू मतलब ये बनाया गया है, ये मतलब मैन मेड है एंड खूबसूरती बहुत बढ़ा रहा है इस चीज़ की, बहुत अच्छा। एंड अब हम जाएंगे जानवर देखने के लिए, एनिमल्स को देखने के लिए। और वहाँ लिखा है मतलब एंट्रेंस पे कि जब भी आप शूट करें तो शूट करें गन से नहीं कैमरा से, क्योंकि बहुत उनको जानवर को पता नहीं होता कि क्या गन है क्या शूट है। तो हम लोग कैमरे बहुत अच्छे से रखें तो उनको ऐसा ना लगे कि वो बंदूक है, बिकॉज जानवर भी एक तरह से मतलब उनको भी जीने का हक है। तो ये नहीं करेंगे हम कि उनको और सा फील हो, उनको अच्छे शूट करेंगे। चलो गाइस जू से आ चुके हैं। जू में हुआ क्या कि मैं और आदमी फटाफट चढ़े जा रहे सबसे पास चढ़ रहे थे अमेरिका से जावे सर ये रहे चढ़ नहीं पा रहे। आई एम अ जोकिंग के बोले दोस्त, मतलब ये सुस्ती मतलब हो रही है देखो ये नीला। अच्छा मतलब एक्सपीरियंस कैसा था जू कैसा था? बहुत अच्छा। हर जानवर है, भालू चीता लेपर्ड हर जानवर, टाइगर मिलेगा एंट्री करते ही टाइगर। हाँ, जब भी आए तो यहाँ जरूर आए, 160 रुपए की बात है। चढ़ाई करनी पड़ेगी लेकिन चढ़ाई में हम तो मतलब दबंग हैं। इस वक्त हम लोग आ चुके हैं नदी के बगल में, देखिए पीछे नाव भी चल रही है एंड ये रहे विकास जावेद सर। हम लोग स्पेशली मछली चल रही है इसके अंदर, वो देखने के लिए आया, पकड़ तो सकते नहीं है। ये देखिए गाइस, ये देखिए बहुत ही प्यारी प्यारी मछली हैं, पास में भी आती हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है देख के। सो दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, क्रॉस करते हुए जा रहे हैं एंड लंच करेंगे। मेरा आदि थोड़ा मतलब मूड लंच करने का नहीं है, हम थोड़ा अच्छे से पियेंगे विकास जावेद सर का प्लान है कुछ लंच वंच करने का। उसके बाद इवनिंग में हमारा प्लान है कि डिनर करके फिर वहीं से दिल्ली के लिए निकलेंगे। सो अभी हम रास्ते में चल रहे हैं एंड शूट भी कर रहे हैं, बिकॉज अब जानते हैं हमें तो कंटेंट से मतलब है, कंटेंट शूट होना चाहिए बस। एंड हमने चीज़ नोटिस करी यहाँ पे, हर 100 मीटर पे जो है टॉयलेट बना हुआ है, बिकॉज कि मतलब कोई रास्ते में टॉयलेट ना कर दे। और हमने ये भी नोटिस किया है यहाँ बहुत साफ सफाई है, साफ सफाई बहुत है, प्लास्टिक बहुत कम फेंके हुए हैं, बहुत कम। और यहाँ पे क्या कहते हैं पॉलिथीन, हाँ बैग्स बैन, बैग सैक्स मतलब बैन है बिल्कुल। दोस्तों मैं सबसे बड़ी खासियत आपको बताता हूँ यहाँ नैनीताल की भूमि का, सबसे बड़ी चीज कर भला तो हो भला। एक लोग अगर सही करते तो दूसरे लोग उनको देख करके सही करते हैं। नैनीताल जब आप आएंगे आपको रोड पे कोई कचरा, कोई प्रोटीन पे यहाँ पे बैंड है, कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा रोड पे दिखने को, क्योंकि एक लोग यदि नहीं फेंकते ना दूसरे लोग भी डरते हैं फेंकने से। तो हम लोग जू से निकल चुके हैं
नैनीताल के किनारे किनारे अब हम लोग माल रोड की तरफ जा रहे हैं। चलते हैं माल रोड, देखते हैं माल रोड में जाकर के अब वहाँ का क्या व्यू है, कैसा नहीं है, वो सर अपडेट करेंगे आपको। एक्सक्यूज मी, आप भी? हेलो फ्रेंड्स, ये है बड़ा बाजार। जैसे यहाँ पे जो भी खाने की शौकीन है, मतलब वेज और नॉन वेज, तो उनके लिए स्पेशली बनाया गया है ये। जैसे आदि वेजिटेरियन है और हम तीनों नॉन वेजिटेरियन है, तो हम लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं, आदि वेजिटेरियन खाते हैं हमेशा यहाँ पे। एंड काफ़ी बढ़िया जगह है, तो कभी भी आप लोग आए तो बड़ा बाजार में स्पेशली जगह है ये वाली। एंड काफ़ी मतलब वैरायटी है, काफ़ी वैरायटी है। जैसे यहाँ पे करीम भी है, मुगलाई है, सिंह है, रेस्टोरेंट है। देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं पंजाबी ढाबा भी है, शेर पंजाब, तो काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा एंगल भी आ रहा है, मतलब शक्ल भी काफ़ी अच्छी आ रही है। क्या सर कुछ देखने गए हैं खाने के लिए? हम भी देखने में क्या, बस लस्सी भी, हम लस्सी भी बस कल कुछ खा भी लिया था, पेट का फुल लग रहा है अभी, अनाज में निकलना भी है। सर आप बताओ कुछ ज़्यादा सर इसके बारे में, जगह के बारे में। जगह बहुत ही स्पाइसी और अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर, अभी समझ में नहीं आ रहा क्या खाऊँ। चिकन चंगेजी खाऊँ, फिश खाऊँ, अरे हमारे यहाँ चिकन कोरमा खाऊँ, क्या खाऊँ समझ में नहीं आ रहा है, मगर देखते हैं ट्राई करते हैं। मतलब वैरायटी इतनी ज़्यादा है यहाँ पे कि मतलब हम लोग देख ही रहे हैं क्या क्या करना है। डॉक्टर हम तो देख भी लिए हैं सारा चीज़, बस चिकन कोरमा पसंद आया मेरे को, वही खाने जा रहा हूँ। Hi guys, so finally हम नीचे खाना खाने के लिए जा रहे हैं डिनर करने के लिए। एंड जिन्होंने मतलब हमारा इतना ख्याल रखा है इस पूरे मतलब तीन दिनों में, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा आपको। अभी मतलब हम लोग जाएंगे नीचे, खाना वाना खाएंगे, फिर ऊपर आएंगे एंड देन चेकआउट करेंगे यहाँ से। ये कैसे गेट बंद कर रहे हैं इन्होंने, इस खुशी को रूम ही साफ कर दिया बिल्कुल, मतलब चमका दिया। सो लेट्स गो। ये है वो टेबल जहाँ पे हम लोगों ने तीन दिन खाया है, एक दिन वहाँ पे भी खाया था। एंड मोस्टली हमारा ब्रेकफास्ट और जो डिनर है ये खाते थे हम लोग। ये काफ़ी मतलब बड़ा रूम सा है, देखिए आप। एंड अभी फाइनली डिनर कर रहे हैं, फिर जल्दी कर रहे हैं डिनर आज, क्योंकि हमें जल्दी निकालना है इसलिए। बस अगर मिस हो गया तो समय कांड हो जाएगा। तो बस दोस्तों मैं तो बिल्कुल इमोशनल हो चुका हूँ, ऐसा जगह और ऐसा भैया जो हमें खाना खिला रहे हैं और ऐसा खाना खिला रहे हैं वो छोड़ के आज हम लोग जा रहे हैं घर का खाना बिल्कुल। तो सोच रहे हैं हम लोग निकासा को ही छोड़ देते हैं, मन तो यही कर रहा है। सो दोस्तों हमारा लास्ट डे था एंड हम लोग वापस जा रहे हैं अब। सो ये हमारे भैया हैं, मतलब इन्होंने मतलब हमारा केयर किया, हाँ इन्होंने पूरा हमारा वो ध्यान रखा है। तो बहुत ही मतलब मज़ा आया एंड आज फाइनली हम लोग वापस जा रहे हैं। एंड याद ही एंट्री कर रहा है क्या कभी कुछ पूछते हैं पंकज भैया कैसा लगा हम लोग के साथ में? बहुत अच्छा लगा। अरे हमारे पंकज भैया जो कि अपने फैमिली की तरह हम लोग का ध्यान रखे हैं, बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट लंच डिनर घर का खाना था बिल्कुल घर का खाना बिल्कुल। आई लव पंकज भैया, आई लव पंकज भैया। दोस्तों हम लोग वापस जा रहे हैं, अब हम लोग पहुँच गए डेस्टिनेशन पर अपने काठगोदाम। एंड विकास सर जावल सर राधी बैग रखवा रहा अपना, उसके बाद हम लोग बस जाएंगे। आइए मैंने बस दिखा दी आपको अभी 8318, उससे हम लोग वापस जाएंगे।